देश खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा प्रयागराज हाईवे से, जहां सुहागी घाटी पर एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां नागपुर से प्रयागराज जा रही यात्री बस आगे चल रहे ट्रक से पीछे से वो टकराई है, जिसमें करीब दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए त्योथर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत सामान्य बताई गई है। घटना की सूचना पर मौके पर सुहागी पुलिस पहुंची है और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर से चलकर प्रयागराज जा रही जयंत ट्रेवल्स की बस आज सुबह तकरीबन 6 बजे उस वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गई, जब सुहागी घाटी में अचानक बस के आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से से बस जा टकराई, जिससे बस में सवार तकरीबन दर्जन भर यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को उपचार के लिए त्योथर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ऐसा माना जा रहा है घटना के दौरान या तो बस का ब्रेक फेल हो गया था या फिर चालक को नींद आ गई थी, जिसके चलते यह सड़क हादसा हुआ है। पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। हम आपको बता दें, सुहागी घाटी में अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, इसके बावजूद भी जिम्मेदारों की नींद नहीं खुल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रीवा प्रयागराज नेशनल हाईवे से, जहां सुहागी घाटी में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां नागपुर से प्रयागराज की ओर जा रही जयंत ट्रेवल्स की बस ट्रक से टकराई है, जिसमें दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं।